तो जी हाँ दोस्तों, आपने मैं यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर अभी अभी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सबको पता है कि आपके यहाँ पर 10 मार्च से आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो यहाँ पर आज आपका एडमिट कार्ड यानी आपका प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले किस प्रकार आप अपना यहाँ पर एडमिट कार्ड देख सकते हैं, चाहे वो बीए स्टूडेंट्स हो, चाहे बीकॉम या बीएससी के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों स्टूडेंट्स का यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है यूएके, ठीक है, या आप uak.ac.in पे भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट में दिखाई देगा यूएके कोटा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा एडमिट कार्ड मेन एग्जाम, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पे आपको यूजी करना होगा, और यहाँ पर सेकंड पे आप जिस भी फील्ड से, चाहे आप आर्ट्स से, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, यानी अगर जो बीए के स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आर्ट्स क्लिक करना होगा, बीएससी के लिए आपको सेकंड पे, और यहाँ पर बीकॉम के लिए यहाँ पर आपको थर्ड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे अगर बाई चांस बीए के स्टूडेंट्स यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आर्ट्स करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पे आपको अपनी फील्ड यहाँ पर चुननी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर है आपके बीए पार्ट सेकंड, यानी सेकंड ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जाम के एडमिट कार्ड है ये, और यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा बीए पार्ट थर्ड, यानी फाइनल ईयर के आपके बीए के यहाँ पर एडमिट कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस भी ईयर से, आपको वहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आप अपना यहाँ पर एडमिट कार्ड दो प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आपका फॉर्म नंबर, जो आपने अभी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो उसमें आपको फॉर्म नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म नंबर डाल के और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल्ड करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपको फॉर्म नंबर याद नहीं है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होता है, तो यहाँ पर आप अपनी जनरल डिटेल, यहाँ पर आपको बाई जनरल डिटेल पर करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना मदर नेम यानी माता का नाम, और अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि यहाँ पर फिल्ड कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर एडमिट कार्ड देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके बीएससी के स्टूडेंट्स और इसी प्रकार बीकॉम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आई होप आप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।